अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग फिट फॉर्म होंगे, चंगे होंगे। वेलकम टू जामवाड़ी दोस्तों। भाई सबसे पहले तो भाई एक जज है, जज को मेरी जैसे पपियाँ जफियाँ, जस्टिस आमिर फारूक साहब, आपको दिली मेरे दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर। आपने हमारी हमारी नहीं बल्कि आप पूरी कौम के पबजी प्लेयर्स की आवाज़ को सुन ली है सर। आपको दिली सलाम, दोनों हाथों से सैल्यूट और पपियाँ जपियाँ, हक बल्ले बल्ले। अब ये कौन था सर? सब गाइस, सबसे पहले गाइस इस बात को गौर से सुने कि आज हेरिंग के अंदर क्या हुआ। ओके, हेरिंग में जब ये जो पीटीए वाले गए अपना मौकफ बयान करने के लिए जस्टिस फारूक साहब के पास, तो उधर इन लोगों ने बोला कि इन लोग एक्चुअली जस्टिस साहब ने पूछा कि हुआ क्या है उधर ना, तो उन्होंने कहा कि ये जो पबजी है ये बहुत गैर इखलाकी है, इसके अंदर तो बहुत गंदी गंदी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लाइक आई मीन लाइक 18+ चीज़ें, गैर इखलाकी मवाद है जो कि हमारी कम्युनिटी को ख़राब कर रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है, और मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़्यादातर है, और इसलिए हमने इसको बैन कर दिया। तो जैसे साहब ने ये फरमाया कि गाइज अगर ये है ख़िलाफ़ है तो वी हैव टू टेक सम एक्शन फर्स्ट, लाइक पहले देखना पड़ेगा, नहीं कि तुम मुंह मुंह आंखें बंद की बत्ती बजाई और ख़त्म कर दिया काम, ब्लॉक कर दी, ये क्या है, ये ऐसे तो बिल्कुल गैर इखलाक की है। तो पीटीआई वालों ने बोला कि आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों ने खुदकुशियां भी बहुत लोगों ने कर ली है, दो बच्चों ने, रावलपिंडी जो सीपीओ उसने बताया, उसने कहा कि किसी जो दिमाग ख़राब है भाई, कोई जिसका दिमागी डॉक्टर को दिखाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन में क्यों चला गया, उसने कुछ कर लिया, बच्चे पहले ही प्रॉब्लम में होगा कोई ना कोई, इसका मतलब ये थोड़ी कि गेम की वजह से मर गया। भाई सलाम है जैसे साहब आपको। मैं तो भाई बिल्कुल ही, मेरा ना जस्टिस से दिल उठ गया हुआ था, लिटरली मेरा दिल उठ गया हुआ था गाइस, लेकिन मैं कहता हूँ कि 110% प्लस पॉइंट आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया। मेरी शॉर्ट शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को खबर करने के लिए आया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर आ चुकी है गाइस। काफ़ी मेरे फॉलोअर्स और जो लोग मुझे जानते हैं मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पे कर रहे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, लेकिन जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं जब तक नहीं आएंगी जब तक मैं आप लोगों को आके अपडेट नहीं कर सकता। ऑफिशियल होगा तो आएगा, ऐसे किसी तरीके से किसी यूट्यूबर को देख के बना वीडियो बना ले, कोई किसी को देख के वीडियो बना ले, बाद में लानत फटक मिलती है, दैट्स वेरी रॉन्ग, और मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं सीधी बात नो बकवास आप लोगों को बता बातें कहता हूँ, डंके की चोट पर कोई बात करता हूँ, धोखेबाजी वाली नहीं, ऐसे ही हूँ मैं गाइस, घुमा फिरा के बात करने वाली मेरे को आते नहीं। सो पीटीए वालों की एक लवली मैसेज है गाइस और डेली न्यूज़ वालों के लिए, आ जाना रात को, मिलते हैं खुशबू लगा के, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पंगा ना देना आए ना पबजी लवर से, हिला हिला के मारेंगे उन टेक्टिकल्स पे, ना चलने के काबिल रहोगे ना बाप बनने के काबिल रहोगे, याद रखना युजान को, और हकीकत बोल रहा हूँ सीरियसली गाइस, स्टे होपी स्टे हैप्पी स्टे सेफ स्टे हेल्दी, प्ले पबजी, बहुत अच्छी खबर आ गई है इंशाल्लाह। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑफिशियली पबजी अनबैन हो गई, लेकिन 110% इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। सलाम है जस्टिस साहब को, मैं कहता हूँ हैश टैग जस्टिस साहब, जस्टिस फारूक साहब को ट्रेंडिंग पर डाल दो भाई, बंदा कल करेगा आज ही कर दे, 5 बजे अपने ये जो फ्री स्टाइल वालों का मैच है यार, मेरा बहुत दिल कर रहा है उनकी हाइलाइट्स डालूँ, सीरियसली मेरा बहुत दिल कर रहा है उनकी हाइलाइट्स डालूँ यार। मैं क्रिकेट का फ़ैन हूँ, बास्केटबॉल का फ़ैन हूँ, स्विमिंग का फॉलो हूँ, हर एक का फ़ैन हूँ, हॉर्स राइडिंग का फ़ैन हूँ, लेकिन यार जिस गेम को मैं खुद कितने शौक से कर रहा हूँ, 5-5 घंटे दे रहा हूँ, अगर वो गेम आए लाइव बैठ के देख रहा हूँ, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या बंदा ऐसी कमेंट्री मारूंगा ना बैन, क्या दुनिया के बड़े बड़े कमेंटर बोलेंगे बंदा बोल रहा कहाँ से भाई, इसने क्या खा लिया, कौन सी स्पीड इसके पीछे लग गई हुई है, इनको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से बोल रहा है। और लिटरली गाइस हमारी कॉम में इतना टैलेंट है कि बंदों को समझ ही नहीं आएगा, मैं कहता हूँ गली गली कूचे कूचे ऊपर नीचे छत के नीचे अपना एक प्रॉपर यूट्यूबर खड़ा हो जो बंदा इनको समझ ही ना आए कि यार ये इतने यूट्यूबर्स निकले कहाँ से। सीरियसली मैं चाहता हूँ मेरी कॉम बहुत तरक्की करे। सो गाइस दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह फैसला महफूज हो गया है, लेकिन इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आज रात तक मेरे ख्याल से हो जाएगी पबजी अनबैन, सॉरी शाम तक, यार रात तक तो बहुत दूर है भाई, मैच देख रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, ये अपडेट थी, स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड प्ले पबजी। लाइक करना अगर वीडियो पसंद है तो, जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों के पास नई नई वीडियो आते रहें। आज इस एमी के साथ अपना ख्याल रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वाली नेक्स्ट लेवल की वीडियोज़ में जरूर लेके आऊँगा गाइस, ऐसी ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँगा गाइस, आप लोग देख देख के हैरान होंगे, मैं कहता हूँ हंस हंस के उल्टे पुट्ठे होंगे, और मेरी ऐसी कमेंट्री होगी गाइस आप लोगों को अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय।